Leakey's balance method and transposing method. We will discuss these two methods for solving the equation in which linear expression on one side and number on other side. आज हम इन दोनों methods को discuss करेंगे, उसे equation को solve करेंगे जिसमें linear expression one side होगा, number दूसरी side होगा. देखिए, first method is balance method. It's very clear with its name balance. It means we have to maintain the balance of both of side, left hand side and right hand side. Okay. This is your left hand side, this is your right hand side. आपको भी दिख रहा है कि दोनों साइड हमारे पास बैलेंस में है. ओके, तो हमें बैलेंस मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इफ वी एड एनी नंबर इन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल एड द सेम नंबर इन द राइट हैंड साइड बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बोथ ऑफ साइड. यहाँ आपका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. सिमिलर, इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर इन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ओके, इसी तरह हम किसी भी नंबर से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से हमें राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा. सिमिलर, किसी भी नंबर से हम लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से हमें राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना होगा क्योंकि हमारा जो बैलेंस होता है वो मेंटेन होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेट अस सपोज है मैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर ऐड कर रही हूँ और राइट हैंड साइड में मैं ऐड नहीं करती हूँ तो इससे क्या होगा, जो बैलेंस होता है वो अनबैलेंस हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा. तो हमारी फर्स्ट ड्यूटी यह होती है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बैलेंस मेंटेन करना है. अगर हम कोई नंबर प्लस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वही नंबर हमें राइट हैंड साइड में भी प्लस करना होगा फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर. द इक्वेशन इज 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. अब हम इसको बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर. एक्स की क्या वैल्यू है हमें इसको फाइंड करना है. देखो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो एट फर्स्ट वी हैव टू रिमूव 3 फ्रॉम हियर देन 2 फ्रॉम हियर. तो सबसे पहले हम 3 को रिमूव करेंगे. देखो, 3 किस में है, प्लस में. अब इसमें क्या माइनस करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 हमारे पास कैंसिल हो जाए, 3 हमारे पास रिमूव हो जाए. तो अब हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 3. इधर हम माइनस 3 करते हैं तो हमें इधर भी क्या करना होगा, माइनस 3 ही करना होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का बैलेंस हमें मेंटेन करना है. ओके, हियर 3 to 3 कैंसिल आउट, 2x दैट इज इक्वल्स टू 6. अब देखो, x के साथ में 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है. तो नाउ वी हैव टू रिमूव 2 फ्रॉम हियर. तो हम क्या करें, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा. तो इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करती हूँ तो राइट हैंड साइड को भी मुझे 2 से ही डिवाइड करना होगा. ओके, क्योंकि हमारा जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास मेंटेन होना चाहिए, किसी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए वो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल आओ, 2 3 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3. अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे एक्स की जो वैल्यू 3 आई है वो सही है या नहीं है. तो नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन जो हमने ली थी. इक्वेशन इज 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9. ये हमने इक्वेशन ली थी. सिंपल, हम इस एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स की जगह आके पुट करेंगे. तो देखो, 2 3 प्लस 3, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. ओके, 3 2 6 प्लस 3 9. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 और राइट हैंड साइड की वैल्यू 9. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी जो है वो इक्वल है. तो एक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी वो हमारी सही है. हमने इसको चेक करके देख लिया है. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. y upon 3 is equals to 9. ओके, अब यहाँ 3 किस में है, डिवाइड में है. ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यह 3 कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे.
ओके हमने लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई करा है तो हम राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें जो दोनों साइड है उसका बैलेंस मेंटेन रखना है. हियर 3 से 3 कैंसिल आउट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 27. y की वैल्यू क्या आई है 27. अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं एक बार चेक कर लेते हैं. We will put this value in this equation. So 27 upon 3 that is equals to 9 is equals to 9. It means the value of left hand side that is equals to right hand side. तो हमने इसको सिंपली चेक कर लिया तो हमने x जो y की वैल्यू हमने 27 फाइंड की थी वो हमारे पास सही है. Now we will discuss second method, that is transposing method. ट्रांसपोजिंग मेथड में हम क्या करते हैं हम ट्रांसपोज करेंगे तो उनका क्या होता है ट्रांसपोजिंग ऑफ एडिशन बिकम सब्ट्रैक्शन. ट्रांसपोजिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन बिकम्स एडिशन. ट्रांसपोजिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिविजन एंड ट्रांसपोजिंग ऑफ डिविजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन. इसमें 4 होते हैं. फर्स्ट ट्रांसपोजिंग ऑफ एडिशन बिकम सब्ट्रैक्शन ट्रांसपोजिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन कम्स एडिशन. ट्रांसपोजिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिकम डिविजन एंड लास्ट वन ट्रांसपोजिंग ऑफ डिविजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन. इन ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है ट्रांसपोजिंग ऑफ एडिशन बिकम्स सब्ट्रैक्शंस. Transposing of subtraction become addition. Transposing of multiplication become division. And transposing of division become multiplication. I am taking one example for understanding of this method. I will solve equation by using the transposing method here. Okay, अब हम एक equation को solve करेंगे जिसमें linear expression एक वन साइड होगा दूसरी तरफ नंबर होगा और हम कौन से मेथड को यूज लेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड को. ओके 3y plus 2 that is equals to 9. We will solve this equation by using transposing methods. Okay? So, dekho, transposing method mein hum kya karte hain? Transpose karte hain. So, we have to find the value of y from here. तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 2 को यहाँ से रिमूव करना है फिर 3 को यहाँ से करना है. तो देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोजिंग ऑफ 2 from left hand side to right hand side. हम ट्रांसपोज करेंगे यहां से प्लस 2 का फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस 2 जब राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2. ओके तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 2. हमने प्लस 2 का ट्रांसपोज किया है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ये प्लस 2 एडिशन में है तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2. नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन 9 में से 2 तो कितना आया 7. 9 माइनस 2 7. तो इक्वेशन हमारे पास क्या आई 3y इज इक्वल्स टू 7. अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है या तो हम क्या करेंगे अब 3 का ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो 3 यहाँ y के साथ किस में है मल्टीप्लाई में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये किस में जाएगा डिविजन में हो जाएगा. तो ट्रांसपोजिंग ऑफ
disposing of 3 from left hand side to right hand side. देखो 3 का ट्रांसपोज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 7/3. तो ये 3 किसके यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 7/3. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7/3. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. By upon 5 that is equals to 10. Okay, here हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है by using the transposing method. देखो अब 5 यहाँ पे किस में है, डिविजन में है, तो इसका ट्रांसपोज होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में. ओके, ट्रांसपोजिंग ऑफ 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद 5. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज इक्वल टू 50. आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप यदि x y की जगह यहाँ 50 रखोगे तो 50/5 क्या होता है, 10 होता है. इसमें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड है. ओके, आई थिंक आपको ये दो मेथड समझ आ गए होंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन. थैंक यू.